अवैध हथियारों की धरपकड़ के खिलाफ चल रहे राजसमंद पुलिस के विशेष अभियान के तहत आज काकरोली थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। काकरोली थाना पुलिस ने आज दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक के पास अवैध पिस्तल पाई गई है और दूसरा छुरे के साथ गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आज काकरोली थाना पुलिस को एक जानकारी मिली, जिसमें एक युवक सनसिटी क्षेत्र के पास अपने दोस्त को हथियार बेचने के लिए जाने की खबर प्राप्त होती है और इस इत्तला के बाद काकरोली पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त युवक को गिरफ्तार करती है और जिसका नाम भूपेंद्र सिंह है, पुत्र कमलेंद्र सिंह है बताया जा रहा है। उम्र 19 साल बताई जा रही है और तलाशी के दौरान काकरोली थाना पुलिस का कहना है कि इसकी जेब से एक पिस्तल मिली। पिस्तल को जब्त कर उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरी कार्रवाई के तहत जब अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए गठित टीम कोहेड़ से फोरलेन की तरफ जा रही थी, तब वहां पर एक व्यक्ति हाथ में धारदार छुरी लेता हुआ नजर आया। जब उसको रुकवाकर नाम पूछा गया तो युवक ने अपना नाम समीर खान, पिता सबीर खान, उम्र 19 वर्ष बताई। उस युवक को भी उस सार्वजनिक स्थान पर छुरी लेकर घूमने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद आगे का प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। तो इस तरह से आज काकरोली पुलिस को दो अलग अलग मामलों में बड़ी सफलताएं मिली है और दो अवैध हथियारों के साथ युवकों को गिरफ्तार किया गया है।